झुर्रियां हटाने के 10 टिप्स। बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चेहरे पर नजर आने वाले एजिंग के निशानों को कम करने की कोशिश तो की ही जा सकती है। हमारा लाइफस्टाइल और स्किन केयर रूटीन भी चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को प्रभावित करता है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि समय रहते त्वचा का सही तरह से ख्याल रखा जाए तो झुर्रियां और फाइन लाइंस हल्के नजर आते हैं और चेहरे से उम्र का पता नहीं चलता। यहाँ कुछ ऐसे ही स्किन केयर टिप्स दिए जा रहे हैं जो एंटी एजिंग गुणों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स का सफाया कर देते हैं। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। झुर्रिया हटाने के लिए आपको फेस पैक लगाने के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी अपनाना है। अगर आपका शरीर अंदर से फ्रेश रहेगा तो बाहर से भी आप खूबसूरत दिखेंगे और चेहरे पर चमक भी रहेगी, झुर्रियां भी नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। शरीर में पानी की कमी हो जाने से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए रोज आपको 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और 7 से 8 लीटर कोशिश करें कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले 3-4 गिलास पानी पी लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा हमेशा हाइड्रेट रहेगी और झुर्रियां भी नहीं आएंगी। नंबर 2, ज्यादा तली और मसाले वाली चीजें खाने से बचें। चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी पीने के साथ साथ अपने खाने में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए और ज्यादा तेल और मसालों वाला खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी त्वचा हमेशा ग्लोइंग और चमकदार बनी रहे तो आप हरी सब्जियां और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। नंबर 3, खीरे और दही से झुर्रियां दूर करें। चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए खीरे को अच्छी तरह से पीसकर इसमें 1 चम्मच दही मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। फिर 25 से 30 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत और चमकदार भी हो जाएगा और झुर्रियां भी गायब हो जाएंगी। नंबर 4, जायफल और दूध से झुर्रियां हटाएं। झुर्रियां हटाने के लिए जायफल को घिस लें और इसमें कच्चा दूध मिलाएं, फिर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। नंबर 5, सेब से हटाएं झुर्रियां। झुर्रियां हटाने के लिए सेब, कच्चे सेब को पीसकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर लगाने के बाद आधे घंटे तक छोड़ दें और फिर चेहरे को हल्का गुनगुना पानी से धो लें। ऐसा करने से झुर्रियां काफी जल्दी खत्म हो जाएंगी और आपका चेहरा भी बहुत ज्यादा चमकदार और गोरा हो जाएगा। नंबर 6, नारियल का तेल और संतरा। नारियल के तेल में संतरे का रस मिलाएं और इसे चेहरे पर 10 मिनट तक मसाज करके लगाएं, फिर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर नॉर्मल पानी से धो लें। इसे रोजाना करने से कुछ ही दिनों में झुर्रियां कम होने लगेंगी। नंबर 7, गुलाब का अर्क। गुलाब अर्क की 3 से 4 बूंदें लेकर अपने चेहरे पर लगाएं और तब तक मालिश करें जब तक यह अवशोषित न हो जाए। यह अर्क गहरी झुर्रियों और समय से पहले बूढ़ा होने के अन्य लक्षणों के लिए बेहतरीन है। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई और फैटी एसिड त्वचा की गहरी परतों में प्रवेश करते हैं और दाग धब्बों को हल्का करते हैं और झुर्रियां दूर करते हैं। नंबर 8, कलौंजी का तेल। चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए आप कलौंजी का तेल और ऑलिव ऑयल को मिलाकर चेहरे पर लगाइए। कलौंजी के तेल में कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जैसे लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड त्वचा को मॉइस्चराइज करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को नहीं होने देते। नंबर 9, पपीता और केले का मास्क। पपीता और केला दोनों फलों को एक साथ प्यूरी करें और इस पेस्ट को अपने माथे पर महीन रेखाओं पर लगाएं। पपीता पपेन जैसे एंजाइम से भरा होता है
जबकि केला विटामिन से भरपूर होता है जो आपकी त्वचा को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। यह पेस्ट समय से पहले बुढ़ापा आने के संकेतों को कम करने के लिए अच्छा है। नंबर 10, बेकिंग सोडा। आप चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए और चेहरे को धीरे धीरे इससे साफ कीजिए। बेकिंग सोडा एक एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट है जो डेड सेल्स को हटाता है और आपके पोर्स में जमा हुई गंदगी को भी हटाता है। यह सेल टर्न ओवर और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है जो चेहरे की झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।